हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ और मंदिर जाके आने के बाद फिर हम ट्रेडिंग हमारा स्टार्ट करेंगे। इस वीक जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को है और नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है वो वेनसडे को होने वाली है। तो नेक्स्ट वीक शायद से मुझे ऐसा लगता है कि प्रीमियम्स बहुत जल्दी गिरेंगे, तो इसीलिए मुझे नेक्स्ट वीक का भी प्लान अभी से बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो प्रीमियम्स है वो तेजी से इसलिए गिरेंगे क्योंकि थ्री डेज होंगे सिर्फ एक्सपायर होने को प्रीमियम्स को। तीन दिनों में जो प्रीमियम्स है उनको एक्सपायर होना होगा, तो इसलिए मुझे जो हेजेस लेने होंगे उसके अंदर भी ध्यान रखना होगा कि मुझे मैं जो भी हेजेस ले रहा हूँ वो भी जल्दी डिक्रीज होंगे, तो मैं कम से कम हेजेस लेने के ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीक के इससे अंदर। और इस वीक अभी दो दिन है एक्सपायरी को, आज का और कल का दिन, तो इस वीक तो कोई इशू नहीं है, बट जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर मुझे शायद अच्छे प्रॉफिट्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बट देखते हैं कि क्या नेक्स्ट वीक अच्छा प्रॉफिट हो पाता है या नहीं। मुझे लगता है क्योंकि थ्री डेज होते हैं, जब भी एक्सपायरी को कम दिन होते हैं तभी मार्केट क्या है कि बहुत ज्यादा प्रीमियम डीके करता है, भले मूवमेंट आ रहा हो बट प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ तीन दिनों का, क्योंकि उस वक्त फिर मुझे मैक्स प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, जो कि मुझे हर मंथ के एंडिंग में मिलता है, जब भी एक्सपायरी जो है चेंज, मतलब कि लास्ट मंथ का एक्सपायरी जो होता है वो थर्सडे को होता है, तो उस लिए मुझे थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। बट अभी एक्सपायरी चेंज हो रहा है, फिर से वेनसडे को होने वाला है, तो इसके अंदर बीच में कभी भी जब ऑफ डे आता है तब मुझे अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि उस वीक फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बहुत जल्दी डीके होते हैं, तो इसलिए। तो अभी मार्केट जो है वो क्लोज हो चुका है और आज के जो पोजीशंस का अपडेट है मैं आपको दे देता हूँ। पहले तो आपको मैं आज का जो मार्केट है वो किस तरीके से बिहेव किया है वो बताता हूँ। तो आज के मार्केट के अंदर या मार्केट ने जो है गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जो था ये कल का जो स्विंग हाई था इसे ब्रेक करके अपसाइड को इसने अच्छा मोमेंटम दिया, बट जो आज का डेली में इसने कोई भी अपसाइड का स्विंग नहीं बनाया। एक यहाँ पे स्विंग क्रिएट किया था और उसे ब्रेक करने के बाद वहां से नीचे आया और फिर इस लो को इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ से फिर ये नीचे और यहाँ से फिर से ये ऊपर गया और इसे हाफ वे रिट्रेस किया, यानी जो आज का पैटर्न है वो एन टाइप पैटर्न बना है। यहाँ पे अगर देखने जाए तो वन साइडेड जो ट्रेड्स होते हैं, लाइक कि एक साइड में अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो यहाँ पे तो कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था इस स्विंग के अंदर, क्योंकि आज डेली में इसने कुछ स्विंग नहीं बताया, मतलब कि आज के दिन इसने कोई भी स्विंग नहीं बनाया। तो मेरे हिसाब से मैं जनरली प्रिफर नहीं करता अगर मैं वन साइडेड ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर मैं स्ट्रैंगल स्टार्टर ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली ट्रेड पंच अप कर दूंगा, क्योंकि स्ट्रैंगल एक साइड के जाने का वो अगर ऊपर जा रहा है तो स्ट्रैंगल भी उस साइड में हो जाते हैं। जो मेन ट्रेड था वो यहाँ पे मिला था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे, यहाँ पे एक ट्रेड मिला था और उसके बाद उसके अंदर अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिला है। तो आज के जो ट्रेड से उसके अंदर का जो क्या प्रॉफिट और लॉस रहा है मैं अभी आपको दिखाता हूं। और कल का अगर आप पूरा डाउन साइड का मूव देखोगे तो ये आज एक्सपेक्टेड था कि आज ऐसा होगा, क्योंकि कल बहुत बड़ा एक डाउन साइड का मूवमेंट मिला है, तो आज एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ एंड टाइम पैटर्न या साइडवेज रहेगा। आज जो मुझे लॉस हुआ है वो हुआ है 21,000 रुपीस का। आज लॉस किस लिए हुआ ये जान लेते हैं। जो स्ट्रैंगल्स प्लेस होते हैं, जो स्ट्रैंगल्स ट्रेडल प्लेस होते हैं वो एक छोटे रेंज में प्लेस होते हैं, ठीक है। आज मेरा लॉस 0.80% है, तो 0.80% का लॉस हुआ है, यानी कि 1% से थोड़ा कम। तो जो स्ट्रैंगल्स ट्रेडर्स है वो जनरली मैं यहाँ पे पंच कर देता हूँ, मतलब कि 20-25 मिनट बाद, मार्केट ओपन होने के 20-25 मिनट बाद में मैं जो स्ट्रैंगल्स और ट्रेडर्स है वो प्लेस करता हूँ। तो मोस्टली स्ट्रैंगल्स प्लेस होते हैं और कभी कभी ट्रेडर प्लेस होते हैं। तो जो स्ट्रैंगल्स प्लेस किए हुए थे मैंने, उसके अंदर क्या हुआ, जब ये स्विंग हाई हुआ यानी कि जब भी कोई ब्रेकआउट हुआ तो उसके अंदर उसका जो एसएल है वो हिट हो जाता है, तो यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ और उसके बाद फिर डाउन साइड का भी ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे जब एक साइड का एसएल हिट हो जाता है तो दूसरा जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाता है, तो यहाँ पे उसका ब्रेक भी हिट हो गया था, तो इसीलिए मुझे आज जो है इसके अंदर 21,000 रुपीस का लॉस हुआ है। अभी मैं जो मेरा दूसरा ट्रेड है वो आपको दिखा देता हूँ, दूसरा अकाउंट, उसके अंदर मेरा कितना लॉस हुआ है। सो ये जो मेरा दूसरा अकाउंट है इसके अंदर जो आज मुझे लॉस हुआ है वो 5,483 रुपीस का लॉस हुआ है और इसके अंदर भी सेम ट्रेड्स पंचअप हुए थे, स्ट्रैंगल्स ट्रेडल पंचअप हुए थे। तो मैं वन साइडेड भी ट्रेड्स लेता हूँ, जैसे कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं वन साइडेड ट्रेड्स लेता हूँ, और मैंने अब से ट्राई करने वाला हूँ मैं कि जो मेरे ट्रेड्स है जो वन साइडेड ट्रेड रहने वाले हैं
वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट देते जाऊंगा। किसी भी तरीके की कॉल टिप्स नहीं प्रोवाइड करूंगा। मुझे अगर मेरा व्यू होता है कि मेरा व्यू अपसाइड का है या मेरा व्यू डाउन साइड का है, तो मैं उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है उस तरीके से आपको मेरा एनालिसिस जो है वो वहां पर शेयर करते जाऊंगा। वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पर्पज के लिए रहेगा कि आप मेरे यहाँ से सीख सको कि किस तरीके से मैं चार्ट्स को रीड करता हूँ, आप देख सको, आपको एक अंदाजा हो कि मैं किस तरीके से चार्ट को रीड कर रहा हूँ वैसा। तो वो सिर्फ उसी के लिए है। तो उसके अंदर मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर करते जाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अंदर मैं आपको डेली के जो चार्ट्स का मेरा क्या एनालिसिस है वो शेयर करते जाऊंगा। मेरा जो स्ट्रैंगल स्ट्रेडर्स के अंदर प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो भी मैं वहां पे आपको बताते जाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।